हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े एमसीक्यूज पीडीएफ बुक और पास्ट पेपर के चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, कस्टम इंस्पेक्टर का बैच नंबर 5 का पेपर है ये, 26/4 को ये हुआ था। इसके अलावा इस पेपर में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह, और अगर आपको पीडीएफ में ये फाइल चाहिए तो सिर्फ 500 लाइक्स और 500 कमेंट्स कर दें। कमेंट्स आप इस तरह, जितने आपके सही क्वेश्चन होंगे आपने देखते जाना है, जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो आपने देखना है आंसर क्या है। और इसके अलावा अगर रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो आपने देखना है कि कितने आपके सही हैं, और नीचे कमेंट्स में देख लेंगे तो आपके इंशाल्लाह बहुत जल्द कमेंट्स भी पूरे हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज 62 ऑफ 248। तो आप 62 को तकसीम करेंगे 248, जिस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं अपने नंबरों की, हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं, तो इसलिए 100 लगाएंगे तो 25% ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच सी एफ हाई कॉमन फैक्टर होता है 1722 एंड 164 का मालूम करना है। तो दोस्तों, इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसका 82 आंसर है। आप को जुवा जाफकल जो हम निकालते होते थे वो आता है, तो आप दोनों का लहदा लहदा निकाल लें और उसमें ये आएगा, पहले में 2, 3, 7 और 41 आएगा और 164 का ये आएगा। फिर उसके बाद जो आपस में हमने मालूम करना, हाई कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो मिलते जुलते हैं, तो 2 मिलता है, 3, 7 नहीं मिलता और 41 आपस में मिलते हैं। तो ये हाई मालूम करने हैं तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक 2 आ जाएगा और एक 41 आएगा कॉमन जो होता है, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि प्राइम नंबर जो है 2 किसके ऊपर डिवाइड हो जाए। दोस्तों, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर अपने ऊपर और एक के अलावा किसी ऊपर और के ऊपर डिवाइड नहीं होता, और इसमें कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे 17 वगैरह, जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी ऊपर के ऊपर डिवाइड नहीं हो तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, 2 और 1 के ऊपर ये डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स 50, 50 एंड 25, एलसीएम लो कॉमन फैक्टर, हमने सबसे छोटा कॉमन फैक्टर मालूम करना है, तो इसका 202 होगा। वो कहता है 0, -1, -2 से लेके 100 तक कौन का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो दोस्तों, जूं ये अगर इधर 1000 माइनस होता तो वो सबसे छोटा नंबर होना था, लिहाजा -100 सबसे छोटा मार्क्स है। 128 की पावर जो है 3/2 है, तो इसका आंसर आप इसको डिवाइड करेंगे और इसको पूरे तरीके के साथ, तो ये आंसर है इसका। रेशो 439.5 एंड 349.5, तो इसकी रेशो 239 और 233 आती है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन किए जाएं तो कमेंट्स करें, जब आपके इसके रिलेटेड सॉल्यूशन के रिलेटेड 50 के करीब कमेंट्स होंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, अगर इससे कम हुए तो फिर नहीं करूंगा। मिड फ्रैक्शन ऑफ 4/3 एंड 3/2, तो इनका जो है आंसर 7/5 आएगा। एक्स डिवाइडेड 9, 63/7, और इसकी कहते हैं एक्स की वैल्यू आपने 7 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना 63 को 9 के साथ, तो आपके सामने इसका आंसर 81 आ जाएगा। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय, तो ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। इसके बाद बैटरी इन्वेंटेड बाय वोल्टा ने, अलेक्जेंडर वोल्टा ने, और जिस तरह वोल्टा वो बैटरी था, आप उससे याद रखें कि वोल्टा बैटरी जो वोल्टा ने। हाउ मैनी मेथड ऑफ वाटर प्योरीफाइड, तो दोस्तों इसके 4 मेथड हैं। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, उसके बाद डिस्टिलेशन, फिर क्लोरोनाइटेशन, और सबसे एंड पे बॉयलिंग किया जाता है, बॉयल किया जाता है। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, तो ये जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, प्रोसेस ऑफ साइंस इज हेपोस्टेसिस। क्वेश्चन है,
1962 कॉन्स्टिट्यूशन डेट। दोस्तों जितने भी अब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मेरी पिछली आप वीडियो देखें, पिछले पेपरों में मैंने जिस तरह डिटेल के साथ हर टॉपिक को क्लियर किया था, उसी को वो उठा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछले भी वीडियो देखी होती तो यकीनन आपका फायदा होता। अगर आप पेपर दे रहे हैं, आप इस तरह अगर टॉपिक क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी मसला नहीं होगा। अभी उसने इस पेपर में ये पूछा, किसी दूसरे पेपर में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेगा। तो 1960 कॉन्स्टिट्यूशन डेट जो 8 जून थी, 1956 की जो 23 मार्च है, और 1973 की जो है 14 अगस्त 1973 थी। लियाकत अली खान असैसिनेटेड, ये देखो मैंने पिछले जो पेपर में था पूरा इसको कवर किया था, इसी वही दोबारा क्वेश्चन आ गया। उसमें मैंने बताया हुआ था कि साद अकबर ने उनको कत्ल किया था, शहीद किया था। अफगान नेशनल थी इसकी नेशनलिटी, ये भी पूछ सकता है। और ये पश्तून जरदान ट्राइब से था। अक्टूबर 1695 के अंदर उनको शहीद किया गया था रावलपिंडी के अंदर, लियाकत बाग के अंदर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पिछले पेपर में आया हुआ था कि कहाँ पे वो पैदा हुए थे, वो हरियाणा जो आजकल हरियाणा है, और उस वक्त उसका नाम करनाल पंजाब ब्रिटिश इंडिया था। बाड़ मज़ारे कैद, उनका जो कबर है वो मज़ारे कैद कराची के अंदर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अल मायदा मीनिंग। तो अल मायदा मीनिंग होता है फूड, इसकी पूरी डिटेल भी मैंने लिखी हुई है, अगर कोई फतवा वाला भाई आ जाए तो फिर उसके लिए। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट फलस्तीन, तो ये नरेंद्र मोदी थे, 10 फरवरी 2018 को इन्होंने विजिट किया था। साल्टी वाटर प्योरीफाइड थ्रू द डिसैलिनेशन के थ्रू इसको करते हैं, ये पूरी डिटेल भी नीचे लिख दी है। APEC हेड इन, ये दोस्तों पपुआ न्यू गाना में हुआ था, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का है, ये ओशन के अंदर एक कंट्री है। 17 से 18 नवंबर को ये हुई थी। और चिल्ली जो 2019 पैक की जो मीटिंग है, ये दो चिल्ली में होगी 2019 वाली। एशिया, इस पैक का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है जी, द कंट्री हु एक्सपेल्ड 23 रशियन डिप्लोमेट्स, यानी कि उनको निकाल दिया गया, तो ये यूके यूनाइटेड किंगडम थ्रेसा मे ने उनको निकाला था मार्च 14 2018 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कंट्री विल डिवेलप 750 एकड़ इंडस्ट्रियल जोन इन बांग्लादेश, तो चाइना ने, और ये पार्ट है साउथ एशिया पश्चिम। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और पूरा पेपर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, और इसके अलावा जितने पेपर एफपीएससी के 2019 के अंदर हो रहे हैं तकरीबन वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप उनको देखें। और पास्ट पेपर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफपीएससी पीपीएससी एनटीएस पीपीएस, कोई भी आप पेपर दे रहे हैं तो पास्ट पेपर को ज़रूर देखिएगा, और सबसे ज़्यादा पास्ट पेपर हमारे चैनल के ऊपर हैं। आपका बहुत शुक्रिया, प्लीज़ अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।